नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आप खा रही हूँ घर के बाहर का सीन। देखिए कितना कोहरा सतपुली में लगा हुआ है और इस समय ठीक 7:15 बजे, 7:15 का टाइम हो रहा है और ये कोहरा जो है बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और ये कोहरा है, ये धुंध जो है ये नदी से और ऊपर की साइड उड़ रही है, हमारे घर की तरफ ये आ रही है। तो ये देखिए कितना कोहरा लगा हुआ है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कि हम कोटद्वार जा रहे हैं तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और सर जी भी नीचे गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरा से, मैंने जैकेट भी पहन लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है और गुमखाल तक तो ठंड है ही, लेकिन उसके बाद कोटद्वार में जो है ठंड कम है, वहाँ पे धूप आ जाती है तो जैकेट की ज़रूरत नहीं होती है। सर जी भी तैयार हैं अपनी गाड़ी लेके, चलते हैं फिर हम और दिखाएंगे आपको आगे का व्यू गुमखाल की साइड कैसी है ठंड और यहाँ पर कैसी है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाई दिया है, धूप तो आ गई है, अभी हमारी साइड नहीं आई है। ये देखिए आ गई सर जी की गाड़ी, बैठते हैं और चलते हैं हम। ये देखिए ये हिमालय कैसे चांदी जैसा चमक रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये चीड़ के पेड़ हैं और बहुत ही अच्छे सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ये दृश्य बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा व्यू है, धूप भी अच्छी है। अब यहाँ पे अच्छे से सफाई हो रही है गाड़ी की क्योंकि शीशे में काफ़ी चीटे वगैरह पड़े हुए थे, धूल थी वो जमी हुई थी तो वो सारी सूख गई है, अब अच्छे से निकल जाएगी। इस तरीके का शीशा हो रखा था, देखिए जैसे ये है, यहाँ पे काफ़ी साफ़ भी किया था लेकिन इतना साफ़ हो नहीं पाया। तो अब ये धूप भी सेकेंगे यहाँ पे और गाड़ी भी साफ़ करेंगे। और ये कोटद्वार की गाड़ी आ गई है, गाड़ी काफ़ी भरी हुई है, अदरवाइज़ कभी कभी तो खाली खाली गाड़ी भी चलती रहती है। और ये कुछ बहादुर हैं, काम पे जा रहे हैं, सुबह सुबह लग गए अपनी ड्यूटी पे। पूछते हैं जरा इनसे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बहादुर? गुमखाल पैदल? अच्छा, जैसे जैसे धुंध छंटती जाएगी, धूप ऊपर आती जाएगी तो ये हिमालय और भी साफ़ और सुंदर दिखाई देगा। फ़िलहाल बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, जितना भी दिखाई दे रहा है। ना बाटू बताणू ना समले के जानू ना वेयू अपाणू बिराणू चा ना बाटू बताणू ना समले के जानू ना वेयू अपाणू बिराणू चा रोंत्यालू गाऊं याद गया। हम लैंसडाउन के रास्ते में, इधर से लैंसडाउन चला जाता है और इधर तो गड्ढा फतेहपुर आता है। अच्छा, ये फतेहपुर है, अभी हम फतेहपुर में पहुँचे और एक रोड चली गई है लैंसडाउन के लिए और ये चल रहा है हमारा दुगड्ढा के लिए। ना खेलू खिलाणू उडांडा कडालू ना गदेरा मगेरू को जानू चा ना बाबा की खिरस ना दादी की भुक्की ना माजी को हैसणू हैसाणू
आ गया है चुना धारा। इस धारा को कहते हैं चुना धारा। यहाँ पे कैल्शियम का पानी होता है। ये देखिए ये चुना धारा है, ये शेर का मुँह बना है और यहाँ पे सभी गाड़ी वाले यात्री लोग पानी पीते हैं। क्या भाव दे रहे हो बताओ, सही बताओ। 100 का 250। 100 का 250 और कहीं भी ले लो। अच्छा, इससे कम नहीं मिलना कहीं भी। अच्छा, इससे कम मिल गया तो फिर अभी तो आपने कभी दो कभी तीन कुछ नहीं। अमरूद तो अच्छा है, तीन दिन में देना नहीं। बढ़िया अमरूद है। अच्छा, तीन दिन में कभी देना नहीं। हाँ, तीन दिन कभी देना नहीं। क्यों? चलो ठीक है, ले लेते हैं। तो मेरा आ रहा है। ठीक है जी जी, तो ये अमरूद ले लेते हैं हम, थोड़ा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बढ़िया, तो ले लेती हूँ मैं 100 के 250 किलो। चाहती हूँ मैं फिर। ये ले लिए मैंने अमरूद 250 किलो। ये देखिए, ये 250 किलो है 100 के। और ये भैया ने दिए हैं जी, देखो आप। चलो ठीक, याद करोगे आगे। थैंक यू, ये भैया ने मुझे चखने के लिए दिया है अमरूद, तो धन्यवाद आपका। और ये देखिए, ये मिल गई हमारी बहन रंजू हमें मार्केट में। अचानक ही कहीं जा रही थी। आप सभी को तभी और इसने इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। मेरी दीदी जी हैं अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बड़ी दीदी। चलो चलते हैं फिर जी। आज गुरुद्वार मार्केट में आ रहे हैं और गुरुद्वार घूमने आए हैं साथ में जी जी भी। और कुछ बोलना। सभी वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही चाहूँगी। नए साल में नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सर जी अभी गए हैं गाड़ी लेने के लिए और सामान हमने रख दिया यहीं पे। ये मैंने आपको दिखा दिया है सामान, और उसके बाद आने वाले होंगे। मैं सर जी का वेट कर रही हूँ। ये देखिए, ये गाड़ी घाट को जाने वाली रोड है और ये तीन दुकानें हैं यहाँ पे, तीन चार। बचपन में हम लोग जब क्राफ्ट का कुछ बनाते थे तो इन्हीं दुकानों में लेने के लिए आते थे। ये चूड़ी वगैरह या कोई भी सामान, बिंदी वगैरह जब हम ले जाते थे चाची के लिए या किसी के लिए भी, तो इन्हीं दुकानों में आते थे। ये जो दुकानें हैं, ये है दुर्गा कैफ़े के सामने, दुर्गा ट्रेडर्स है उसी के सामने है। देखिए सर जी अभी आए नहीं है, थोड़ा टाइम सर जी को लग रहा है, पता नहीं क्यों गाड़ी बैक करने में लग रहा होगा। हो सकता है वहाँ पे भीड़ वगैरह होगी। और ये गाड़ी भर गई है हमारी, सारा सामान रख दिया है। अब हम जाएंगे अपनी दुकान में। यह है हमारी दुकान और यह है चाचा जी ऊपर चढ़े हुए, दिखाती हूँ। अच्छा नमस्ते। है ना, अब लाइन ही रहे कहीं टाइम से, पता नहीं क्यों। चलो तो आर एस ही दे दो फिर, दो तीन बैग दे दो आर एस, देखते हैं फिर कैसा है। तो आर एस ही ले लेते हैं हम इस बारी। महावीर बोला बंद हो गया है। और लक्ष्मी ब्रांड का एक चावल का बैग। और ठीक है तबीयत, स्वास्थ्य पानी ठीक है? हैं, चलो रुक जा। 8 आर वो बस, ज़्यादा नहीं है सामान। और ये दुकान है हमारी पटेल मार्ग में। मैं डाल देता हूँ कौन सा बहुत ज़्यादा, एक तो कुछ भी नहीं ठंड। ये हमारे गुन्नी भैया है। और कितने साल हो गए भैया आपको यहाँ पे? उस समय तो हम छोटे छोटे थे ना। नहीं, पता नहीं कितने साल। उस समय तो हम छोटे थे मुझे याद है, पर फिर 25 साल तो मेरी शादी को हो गए है ना। तो उससे 10 साल पहले से तो होंगे ना। हाँ, तो 35 साल हो गए भैया को यहाँ पे। और ये मेरे चाचा जी हैं बीच वाले। देखिए गाड़ी एकदम फुल बनी हुई है, पीछे डिक्की भी फुल है और इधर भी सामान है और इधर भी सामान है, एकदम फुल। कोटद्वार से हम निकल चुके हैं, अभी हम सिद्धवली के सामने हैं। यहाँ पे हमने गाड़ी को रोका है और यहाँ पे ये कर रहे हैं हम नाश्ता नहीं, लंच कर रहे हैं। मैं रोटियाँ लाई थी घर से और गोभी और पत्ता गोभी की सब्जी और ये थोड़ा आमले का अचार है। सर ने तो खा लिया है, अब मैं खा रही हूँ। और फाइनली पहुँच गए हम घर में। अब गौरव और तेजस्वी हमारे साथ ले जाएंगे सामान। बहुत सारा सामान आया है, बहुत ही गाड़ी फुल भरी हुई है। तो गौरव तो लेके चला गया,
और हम भी ले जाते हैं। थोड़ा सा और दे दो डाल, इतना ही ले जा, इतना काफी है। इसको खाली करके ले आना, इसको खोल दे, उठ जा, लाओ मेरे पास दे दो, जल्दी जा रही खाली कर, एक मिनट को पक्षी है कंगन चल के ले से बस। और ये देखो बंदर बैठे हमारे घर के सामने, ये देखिए, ये आतंक मचा रखा इन बंदरों ने, देखो ले गोर डंडो, बाबा भागे 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 रंदे, मन का अगर वो कुछ करेंगे तो। और जैसा कि पहुंच गए हम घर में, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और यदि आप पहली बार चैनल में हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए इतना सामान आया है कोटद्वार से, हमेशा इसी तरह आता है, तो ये सब रखने चला गया अंदर आटा। और ये सारा सामान है, ये भी है।